शोभा हिफज़ दे माशाल्लाह साढ़े को बच्चे जो कि कुरान मजीद हिफज़ कर रहे हैं, लेकिन कलीना जगह जगह तो फटियां नज़र आ रही हैं। ऐसी नेकी है कि ख़त्म नहीं होती। अल्लाह कोई बंदा ऐसा अपना खड़ा कर दे जरा अग जाए थले तो ऊपर कलीन वगैरह का इंतजाम हो जाए, चलो ये सारा दिन बहुत ही आसानी हो जाएगी। जी जी नमाज पढ़न गए तो इंशाल्लाह जिन्ना ये पढ़ने वाले अजर मिलना वो उन्ना ही अल्लाह पाक ने उस तामन करने वाले है। कौले मुहम्मद कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा, बदलते हैं लाख जमाने पर कुरान ना बदला जाएगा। यानी कि 65-70 के करीब बच्चा जरा कुरान पाक की तलीम हासिल कर रहा है। कौले मुहम्मद कौले खुदा है, कौले मुहम्मद कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा, बदलते हैं लाख जमाने पर कुरान ना बदला जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह पाक का करोड़ा एहसान है कि जैसे अल्लाह पाक के घर हाज़र भी हुए हैं और खिदमत अल्लाह पाक ने मौका भी दिता और मस्जिद देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, और इसका नाम इस तो भी ज़्यादा खूबसूरत है, जामिया मस्जिद हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। साडे नाल ही मस्जिद इंतजामिया भाई भी खड़े हैं, नाल ही कारी साहब भी खड़े हैं। आन का मकसद ये कि अल्लाह पाक की रहमत ना 30 सपारे कुरान मजीद फरकानुल हमीद के 30 सपारे जड़े हैं और रखने सी किसी के साले सवाब और दुआगो वास्ते ते नाल ही बच्चों वास्ते खाने का इंतजाम किया गया वा। असी ना सब तो पहले तो भाई जान तो पूछ रहे हैं कि किस तरह थोनू ये बेहतर लग्या जी ये बारे की कहना चाहोगे? ये जी जिस भाई ने माशाल्लाह इहतमाम किया खाने का भी तो बच्चों के बारियां का भी जी उदे लिए इंशाल्लाह और अजीज़ो अकारब लिए बेहतरीन सदका जारी है माशाल्लाह, और अल्लाह पाक कबूल फरमाए तुहाडी भी मेहनत के तुहाडी वसादत ना साडी मस्जिद तक साडे तलबा तक ये शोभा हिफज़ दे माशाल्लाह साडे को बच्चे जो कि कुरान मजीद हिफज़ कर रहे हैं। कारी साहब माशाल्लाह खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, असं खादम है जी। अल्लाह पाक तुहानू भी जजाए खैर दे कि तुसी इहदे नाल मामनत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ते भाई बच्चों की तादाद हुण तक कितनी हो चुकी है माशाल्लाह? साढ़े को तकरीबन 13 के करीब जड़े हिफज़ बच्चे कर रहे हैं माशाल्लाह, 50 के करीब नाजरा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि 65-70 के करीब बच्चा जरा कुरान पाक की तलीम हासिल कर रहा है माशाल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसने कि सब तो बेहतरीन ये अमल के किसी को तलीम कुरान पाक दी देना है ना, और मैं कहना इस चीज़ का थोनों भी उन्ना ही सवाब मिल रहा है जिन्नी घर साहब मस्जिद वास्ते खिदमात पेश कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी भी बहुत ज़्यादा मस्जिद अंदर खिदमात। इसी तरह जो साथी जिस तरह ये भाई नाल तावन कर रहे हैं और भी कोई भाई तावन कर रहा जी जी, अल्लाह पाक ने उन्होंने भी बराबर दे शरीक कर लेना वा जी जी। आमीन भाई जान, जो आया ना मस्जिद तो खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, लेकिन कलीना जगह जगह तो फटियां नजर आ रही हैं वा, वो दिखाया ना साडे अक्सर तुसी बच्चों के शायद देखो कि वो पैरों पे भी ना निशान जे पड़ गए आ जी जी, सख्त है सख्त ना सख्त आ ये है फिर प्लास्टिक है जी जी, ये गर्म भी ज्यादा महसूस होती है। साडा जेना कि चलो अल्लाह कोई बंदा ऐसा अपना खड़ा कर दे जरा अग जाए थले तो ऊपर कलीन वगैरह का इंतजाम हो जाए, चलो ये सारा दिन बहुत ही आसानी हो जाएगी। जी जी नमाज पढ़न गए तो इंशाल्लाह जिन्ना ये पढ़ने वाले अजर मिलना वो उन्ना ही अल्लाह पाक ने उस तामन करने वाले जी जी भैया। बेशक क्योंकि एक नेकी है कि असं रस्ते अंदर कोई चीज़ बिछा देनी लोगों के बैठने वास्ते कोई बेंच रखता या कुछ भी, लेकिन ये हाफ़िज़े कुराना वास्ते उन्होंने कदमा थले जरा वा नरम पैदा करना अल्लाह ताला ये चीज़ों का अजर तो असल आखिर जाके इंसान को पता चलना है कि किन्ना अजर उस चीज़ का मिले। तो भैया आज ना 30 पारे हैं ये मैडम सादिया साड़ी आपी जान है उन्होंने माशाल्लाह वो बेशुमार उन्होंने अबू फोत हो गए लेकिन वो बड़ी इस्लाम की खिदमात कर रही हैं, उन्होंने 30 पारे जड़े है पहुँचाए सी। तो सब तो पहले बिराए साले सवाब चौधरी रियाज़ अहमद मरहूम तो चौधरी कमाल अहमद मरहूम साहब ना उन्होंने वास्ते तो दुआगो जी की है चौधरी खालिद महमूद चौधरी तारक महमूद, इन्होंने तुम कह लो कि सारा कुछ इन्हों के सी सपारे भी इन्हों के सी और बच्चों वास्ते खाने का जो इंतजाम किया गया, क्योंकि बच्चे इस टाइम कुछ जोड़े बच्चे साइड पर तुम कह लो कट्ठे हो रहे हैं कुछ बच्चियां जो लैदा कर दी गई 25-30 बच्चों वास्ते खाने का इंतजाम से माशाल्लाह। तो असं अपने कारी साहब न भी इस्लाम पेश करते हैं जिहड़े बच्चों तलीम हासिल दे के इन्हों आने वाले वक्त, क्योंकि ये देखा जाए सरमाया साड़ी कौम का और नाल ही साढ़े दुनियावी तलीम तो इस्लामी तलीम जो बच्चों च पैदा हो जूगी फिर वो दुनिया आखिर दोनों च कामयाबी हासिल के खत्म नहीं होंगी जी जी, दूसरे तो गांह दी गांह कन्वर्ट हो जानी जी जी। आज कारी साहब माशाल्लाह इन्हां नूं पढ़ा रहे ने, कल इन्हां ने कारी हजरात बन के अगे पढ़ाने ता कयामत तक ये सिलसिला जारी रहना और मामन आदमी नूं भी उहदा इंशाल्लाह अजर सवाब मिलदा माशाल्लाह माशाल्लाह। कर साहब तुसीं साडी मैडम सादिया वास्ते जिहड़ी है बिलखसूस उहनां दे वालिद मोहतरम चौधरी रियाज़ अहमद मरहूम उहनां वास्ते हुण आपां दुआ खैर करवांदे आ, दुआ करके तुसीं इह बच्चिआं नूं सारिआं नूं खाना तकसीम कर दिओ ताकि सारे बच्चे खाना खा के
ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਭ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕਰ ਸਰ ਯਾ ਰੱਬੀ ਲਗਲ ਹਮਦ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆਬਾਦ ਫਰਮਾ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੰਗੀ ਦਸਤੀ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਮੁਆਮਲਾ ਫਰਮਾ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਬੁਲਾ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਉਨ ਪੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਰਹਿਮਤਿਕਾ ਯਾ ਅਰਹਮ ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੁਹੇਬ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੁਆ ਕਰਵਾਓ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਤੁੱਲਾਹ ਆਮੀਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਬਾਰਿਕ ਵਸੱਲੀ ਵਸੱਲੀ ਅਲੀ ਆਜ ਕੀ ਦੁਆ ਬਿਲਖਸੂਸ ਰੋਜ਼ੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੇ ਕਰੀਬ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के सहन में मैडम सादिया साहिबा के वालदे मोहतरम चौधरी रियाज अहमद मरहूम और चौधरी कमाल मरहूम अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला करवट करवट उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मुबारक हौज़े कौसर अता फरमाए और बिलखसूस चौधरी तारक महमूद और चौधरी खालद महमूद अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैडम सादिया साहिबा के तावन से जामे मस्जिद के लिए एक तो बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद के सपारे तकसीम किए, उसी के साथ बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम किया। मैडम सादिया साहिबा की अल्लाह ताला इस कोशिश काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।